Good morning, ma'am. ठीक है, एक है उसी अर्थ दसना है, नेक्स्ट वाले विच एट विच मुहावरा लिखना है, फिर बात लिखना है, फिर मुहावरा पूरा करना है। लिखा है क्वेश्चन सेट भी काफी तन कमा लेना अर्थ दा मुहावरा टोटल किन्नी सेवंथ सेट उग सुग ना मिलना मुहावरा है, एदा तुसी अर्थ दसना है। ठीक है, एक अर्थ है, एक मुहावरा लिखना, एक वाक ते कंप्लीट करना। इलेवन थर्टी टू हुए ने, इलेवन फोर्टी तक मैं थोड़े को टेस्ट ले लेने हैं। ठीक है, फोर्टी तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इलेवन फोर्टी तक बेटा टेस्ट करो। सो यू हैव ओनली एट मिनट्स। सेट ए टेंथ क्वेश्चन, ऊठ दे मुंह डैश मुहावरा पूरा करना तुसी। अर्थ नहीं, ओनली वाक। Okay, Vanshika, start your video. Ho gaya, Vanshika and Prayag, Anushka, done. Agar kuch nahi lag raha hai, samajhte mainu puch leo. ओके, तो इकांगी सिर्जना, इकांगीकार कौन है? पाली भूपिंदर सिंह। ठीक है, एदे क्वेश्चन आंसर्स बैक के केड़े केड़े वार्तालाप किसने ते कदों कहे। ठीक है, पहला आप ये कर लेने हैं, पात्र चित्रण आप नेक्स्ट क्लास विच करांगे। फर्स्ट है चाली पूरे चाली किले पहली ते शैलर जान मार के बचाए, मैं श्रीका तो हुण तक इन्हां नूं संभालण वाला चाहीदा मैनूं, नाल अगे बैठी नहीं छाती ते किदाज दाज विच नहीं देने तेरे तियां दे, समझी ना एह सत्रा किस इकांगी विचों हन। सिरजना शब्द किसने किसनूं कहे? बीजी ने सिरजना नूं। इस वार्तालाप अनुसार सस किन्नी जायदाद दी मालक है? चाली किले पहली पे शैलर। सास अपनी नूं नूं किस गल दी मांग करदी है? एक मुंडे दी, पुत्तर दी। हां जी।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे विच अगो दी चार क्वेश्चन सी, राइट। उस तो बाद नेक्स्ट डायलॉग, ओहो तू एनी को गल नहीं मैनू फोन कर दिता, तेनू पता है ऑफिस विच किन्नी जरूरी मीटिंग चल रही है, नाले जे बीजी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, तू कर ले जिवें ओह कहिंदे हन, सेम ओही काम दी, ठीक है। कुलदीप ने सिरजना नूं, कुलदीप अपनी पत्नी सिरजना वालों आए फोन तो नाराज क्यों है? पहला वो बिजी सीगा, फिर उन्हें लग रहा सीगा कि शायद ये मेरी मां दी गल नहीं मनदी, पहला उन्हें तां करके कहंदा सी ना, हां ओ हां जी मीटिंग ही नहीं होगा बिजी का। उस तो बाद विच कुलदीप अपनी पत्नी नू बिजी, एक बच्चा बोलियो कठे ना बोलियो, हुन कुलदीप अपनी पत्नी नू बीजी दी केड़ी गल मनन लई आखदा है? स्कैनिंग करवा लो। ओ सिर तुसी इन्ना नहीं लिखना, थोड़ा तुसी इलैबोरेट भी कर सकदे हो कि ओ कहंदा कि जिद्दां बीजी कहंदे ने उद्दां ही कर लै, ठीक है। ओ समझदा सीगा कि बीजी हमेशा सही होणगे, हां ठीक है, ऐड कर सकदे हो तुसी। ओके नेक्स्ट डायलॉग, पहले दो डायलॉग्स क्लियर ने सब नो, इकली ता मैं सी, इकली ता मैं सी बीजी हुन तक, ठीक है डायलॉग पूरा है। सो इकांगी विचो भी हो गया, शब्द किसने किसनु कहे? सिरजना ने बीजी हूं। इस वार्तालाप विच सिरजना ने सिरजना सिरजना शब्द किस लिए वर्त्या है? अपने आने वाले बच्चे लिए, जो कि उसके अंदर नवी जीव ली, ओके एवी लिख सकते हो। इस वार्तालाप विच सिरजना समाज नूं की सीखा दिंदी है? पहला ते सानूं धी पुत्र विच कोई फर्क नहीं करना चाहिदा, धीआं जिहड़ियां ने ओह वी मुंडिया तो घट नहीं, ओह वी वड्डियां होके चंगा काम कर सकदियां ने, पढ़ लिख सकदियां ने, ठीक है, ते समाज नूं उपर उठ सकदियां ने, राइट। ए सी बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स क्लियर है। उस तो बाद विच पात्र उसारी, किन्ने पात्र ने वैसे? पांच, बीजी सिरजना कुलदीप डॉक्टर मासी, ठीक है। सो सब तो मेन करैक्टर सिरजना, मुख्य पात्र है, बीजी भी है, ठीक है, कुलदीप दा बहुत घट आया है, सो ये की होएगा सहायक पात्र, ठीक है, डॉक्टर दे मासी दा भी बहुत घट आया है, भी सहायक पात्र, ठीक है, मुख्य पात्र सहायक पात्र, क्लियर है, किनू कहंदे है? डन, वन वर्ड सेंड हो जाएंगे, ठीक है, वो भी कर लियो, कोई फिलहाल 10 तुसी अपनी फेयर कॉपी ती कर लियो, बाकी तुसी रफ ती कर लियो या बुक होती है मार्क कर लियो, करिया जरूर करियो, ठीक है। ओके बीजी दा आपा शुरू करिए, सारे लिख सकते हो तुसी, क्लियर है बच्चे। उस तो बाद है पात्र उसारी या पात्र चित्रण, हुन पात्र उसारी या पात्र चित्रण है कि करैक्टर स्केच, और तुसी इनु लिखो किदा? हेडिंग्स विच, ठीक है। हुन मान लो कि आपा पहला करना है सिरजना दा, ठीक है, सिरजना किते ऐसा लिखा होया है ते किते नन्ने दे नाल लिखा होया है, दोनों तरीके नाल ठीक है। सिरजना सिरजना, ठीक है, सिरजना की हुंदा है कुछ नवा क्रिएट करना, यही ओदा भी नाम है, ठीक है। सो पहला एदा कर दे, हाँ सब तो पहला असी पात्र उसारी दे विच कर दे की हाँ जान पछाण, ठीक है, जान पछाण विच असी दो या तीन लाइना लिख दे, ज्यादा नहीं लिख दे। पहला तुसी मौन तारी इकांगी दे पात्र चित्रण फेयर कॉपी ते कई बच्चे ने नहीं किते सी बिकॉज आने ही नहीं सीगे, बट हुन तुसी करने है, हुन सब्जेक्टिव है थोड़ा, ठीक है, असी एक एक करके कर दिया। सो पहला सिरजना, कौन दसेगा सिरजना बारे? दिया, लवलीना, रमनीक, अश्वेत, इन्हां तो इलावा हरगुण, मैंने
आपको कुछ नहीं बोला सिर्जना, अगर तुसी वैसे लिखना होवे ता जेदा मुख है। हाँ जी लवलीना, सिर्जना इस कविता का काव्य में मुख पात्र है, उसकी उम्र 28 से 29 बरे की है, वो कुलदीप की पत्नी है। ठीक है, ओके okay. okay.